press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं रोहित वे चैलेंज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता होगा आजकल शॉर्ट वीडियो कितने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मिलियन बिलियन करोड़ करोड़ व्यूज आ रहे हैं हर एक शॉर्ट वीडियो पर। YouTube हो चाहे रील्स हो, कहाँ पर भी हो, शॉर्ट वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। शॉर्ट्स वीडियो YouTube के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, फिर आपको समझ आएगा। एक छोटी सी चीज़ करने से आपका वीडियो ट्रेंडिंग में चला जा सकता है। आपको पास ये ऐप होना चाहिए, YouTube स्टूडियो नाम का ऐप आएगा। इसमें अपनी वही आईडी लॉगिन करनी है जो YouTube ऐप पर लॉगिन हो। अब YouTube ऐप ओपन करने के बाद शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए। प्लस वाले आइकन है ना, उस पर क्लिक कीजिए। क्रिएट शॉर्ट्स में जाइए। अपने क्लिप गैलरी में जो भी सेव हो वो क्लिप लीजिए। जैसा वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। एक भी सेकंड आपको मिस नहीं करना है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, देखते रहिए। मैंने वीडियो को लिया, वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग में हो रहा है, देखते रहिए वीडियो। वीडियो अपलोड हो चुका है, अब देखना। मैं इस पर क्लिक कीजिए, वीडियो को एंटर, और टाइटल में आप कुछ भी डाल लो एक बार आप, क्योंकि अपने वीडियो को प्राइवेट करना है। प्राइवेट वीडियो करने के बाद अपलोड सोर्स में अपलोड कर देना है शॉर्ट्स को, वीडियो को अपलोड कर देना है। शॉर्ट्स को अपलोड करने के बाद अपने अपलोड सेक्शन में या माय वीडियोस में जाके चेक कर लीजिए कि अपना वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं। तभी वीडियो का परसेंटेज अपलोडिंग वाला स्टार्ट हो जाए तो आप अपने यूट्यूब स्टूडियो वाले ऐप में चले जाइए। जैसा वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे ही करना आपको। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड तक जरूर देखना वीडियो, तभी आपको समझ आएगा। हम अपने यूट्यूब स्टूडियो वाले ऐप में जा रहे हैं। YouTube स्टूडियो ऐप पर किया, वही आईडी लॉगिन करनी है जो अपने YouTube ऐप में ओपन। अब वो अपना अपलोडिंग वाला वीडियो यहाँ पर शो करेगा, उस पर क्लिक कीजिए। अपलोड होने से पहले यहाँ पे इस ऐप में जाकर इसको क्लिक करना है, वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अपने पेंसिल वाले आइकन पर कीजिए, एडिट वाले आइकन पे। अब कस्टम थंबनेल है ना, सारा खेल थंबनेल का है। जो अपन को फ्रंट पे या थंबनेल पे दिखाई देता है आप तभी आप उन क्लिक करते हैं अपने, तभी अपने CTR बढ़ता है। आप तो अपने अपने मनपसंद थंबनेल लगा सकते हैं। यही छोटी सी ट्रिक है, अपने मनपसंद थंबनेल लगाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।